चलो जी चेक नहीं किया था ना मैंने आपको टैग किया था उस दिन कल ही रील्स एक बार मुझे मैसेज करो अभी हाय चिन्ना जी कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम अच्छे। आवाज आ रही होगी मेरी? एकदम आ रही है, बूम भी लगा लेंगे एक वन मिनट। अभी हम सिर्फ बिजनेस करेंगे। सिमरन रुक जाइए, एक मिनट बिजनेस ले ले थोड़ा। काफी लोगों ने बोला मुझे कि मैं भी एक नंबर हूँ। क्या सर? नहीं ध्यान जो गोविंदा वाले गाने पे किया था खाली थोड़ा सा होश हल्का। आयो रेडी हाय अर्चना जी। अच्छा ना आपका स्टेप कर लेते ना एक बार, वो फूल वाला करिए ना दोनों लोग। हाँ जो भी है, अरे फिर से कर लेते एक बार कर लो ना, इनके साथ आपके फैन है। आपने प्यार का है ना भैया, तो मंजे पूरा बिग बॉस देखता हूँ मैं स्टार्टिंग से। मैं बहुत इंजॉय किया आपको बहुत। हाँ तीन हाथ मम्मी आई थी, टेकला चलो कितना आपको लास्ट में तो बिग बॉस में कितना ये क्या है। अर्चना अर्चना जी, अभी आप नेल आर्ट्स में आए हो, अभी आपका बिग बॉस खत्म हुआ है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप, क्या तैयारी है? बिग बॉस से निकल के अभी आप नेल आर्ट्स में आए हो, क्या कुछ तैयारी कर रहे हो नेल्स आपके नए जी? ये देख रहे हैं आप, नेल्स मैंने किया है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने नेल आर्ट स्टूडियो में मैंने किया है, ये रोकड़ वाला मेरा, मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग आए और यहां पे नेल्स करवाएं। अर्चना जी, जो मैं आपका आज अब देख रहा हूं, काफी चुलबुली और शरारती सी लड़की है, और उसके बाद में जो आप बिग बॉस में दिखी, जो आप बिग बॉस में दिखे जी। तो असली अर्चना कौन है जिसको मैं आज देख रहा हूँ या जिसको मैंने बिग बॉस में देखा? दोनों ही सेम है, वहाँ भी मैं ऐसी जी, ऐसी भी यहाँ भी मैं ऐसी। अगर न्यूज़ चैनल से आप ये जो गुस्सा तेरा कंट्रोल हो गया जी, ये जो गुस्सा है आपने पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा किया है, आपने लेजिस्लेटिव असेंबली से आपने चुनाव लड़ा था, तो ये कहाँ से आया, आपको कैसे मिला ये? नहीं नहीं देखो, गुस्सा हर इंसान में मेरे अंदर में सबके अंदर रहता है, कोई दिखा देता कोई अंदर रखता है ना। ये मैंने दिखा दिया तो इसलिए मैं पूरी बन गई है ना, मैंने गुस्सा दिखा दिया तो मैं पूरी बन गई। तो बट जो है तो है, मैंने पहले बोल दिया भाई गुस्सा है, ऐसा नहीं है मैं उसको कंट्रोल नहीं करती, मैंने किया। बट मुझे भी बाद में पता चला कि जो मैंने गुस्सा किया उसमें भी लोग हंसे हैं, मतलब तो मुझे बड़ा मजा आया कि चलो जो भी है अच्छा। अच्छा, जो नॉर्मल लाइफ है बाहर की और बिग बॉस के अंदर की, उसके बारे में कुछ शेयर करिए एक्सपीरियंस। देखो बिग बॉस में एक बंद कमरा था, बंद रूम था, तो वहाँ पे वो 16 लोगों के साथ बात करनी पड़ती थी। यहाँ पे बहुत लोग अलग से हैं, बहुत लोग इधर से हैं उधर से हैं, तो सब लोगों से बात करनी होती है, तो इस वजह से सब लोग अलग अलग, मतलब मजा आ रहा है यहाँ पे, सब लोग प्यार कर रहे हैं। बिग बॉस से बाहर आने के बाद थैंक्स का प्यार देख करके आपको क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा बस कि मतलब मैं कहाँ आ गई, मतलब मेरी जिंदगी चेंज हो गई, ऐसा लग रहा है। अच्छा, बिग बॉस से बाहर आने के बाद अब जनता आपको और वापस कहाँ देख सकती है आने वाले कुछ? पता नहीं, देखते हैं कि क्या क्या सोचा है चैनल ने, क्या सोचा है एंडेमोल ने, क्या सोचा है डायरेक्टर्स ने, क्या सोचा है और भी प्रोडक्शन हाउस ने, देखते हैं क्या मिलता है। अभी आपका क्या प्लान है? मेरा भी प्लान तो कुछ नहीं है, अभी तो फिलहाल मैं कल जा रही हूँ मेरा अपने क्षेत्र में, वहाँ देखते हैं क्या भोकाल आता है। तो बस वही, अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को इनफैक्ट पहले मैं जब
गई थी तो मुझे लगता था मेरा क्षेत्र है, पर अब मैं जब बाहर निकली तो अब मेरा पूरा भारत है। तो मैं क्षेत्र को नहीं, पूरे भारत को बोलना चाहती हूँ, लव यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसी तरह से देते रहना और मैं भी आपको इसी तरह से प्यार करती रहूँगी। थैंक यू।